बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जहां पर कल श्योपुर और तेंदुपत्ता संग्राहकों को उन्होंने श्योपुर में सौगात दी है। सीएम ने 21 करोड़ से ज्यादा के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण कल श्योपुर में किया। इसके साथ ही 36 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को 115 करोड़ रुपए की बोनस राशि का वितरण किया। सीएम ने कहा कि श्योपुर में प्रकृति का अद्भुत संगम है। सीएम ने झरेर से डाबली सहित 3 सड़कों के निर्माण की अनुमति दी है। साथ ही वन समिति का वेतनमान बढ़ाने की भी घोषणा की है। और आज के इस अवसर पर जिस कारण से मैं आया हूं, बात तो बहुत सारी करनी थी लेकिन देरी हुई है, ऐसे में यहां इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 की रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो 30 लाख परिवारों को। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहाँ बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5,56,00,000 रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोक नगर की फतेहाबाद में 31 लाख रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा, 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। और हमने शुद्ध लाभ का भी 50% से बढ़ाकर लगभग 75% किया है और 10 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा बोनस हमारी सरकार ने दिया है। अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके। आज के इस अवसर पर जब यहां आकर के बात कर रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार के द्वारा आज अपने इसी क्षेत्र में लगातार जितने प्रकार के काम किए गए, आपने कहा है कि वन विभाग के लिए लाइन क्वार्टर गुरनाउदा, माखना खेड़ी, मठेपुरा, मेहरवानी, इच्छा खेड़ी, पदमपुर में नल जल योजनाओं का आज ही लोकार्पण हुआ है यहीं आपके सामने। ये मान के चलेंगे कि वहां भी काम हो गया। इसी प्रकार से बरगवा, विजयपुर, खिरखिरी जनजाति स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण, अब आपको कमरे मिले हैं, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। 16,39,00,000 की लागत से लगभग श्योपुर और करहल में विभिन्न कामों का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगरपालिका श्योपुर में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की स्थापना का पेडल स्थल का निर्माण भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदर्श ग्राम के अंतर्गत 63 ग्राम पंचायत में 188 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यहीं से किया जा रहा है। कहने के लिए तो बहुत सारी बात है लेकिन समय की थोड़ी कमी है, लेकिन जब मैं आता हूँ यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जो भी दिया जाए वो कम है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लघु वन उपज के प्रबंधकों के अभी तक वेतनमान 13,000 रुपया प्रति महीना मिलता था। जिन प्राथमिक समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 बोरा तक है, उन प्रबंधकों को 14,000 रुपया महीना किया जाता है। 14,000 रुपया, ताली वाली नहीं बज रही, मजा नहीं आ रहा, घोषणा करना कि नहीं कर रहा है। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों को 500 से 2,000 बोरा तक है, उनके प्रबंधकों को 15,000 और जिन प्राथमिक समिति तेंदुपत्ता संग्रहण के 2,000 बोरा से ज्यादा है, उनको 16,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रबंधकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर पात्र सदस्यों को प्रबंधक की अनुकंपा नियुक्ति
और 1 लाख रुपए तक का उपादान देने की भी घोषणा की जाती है। प्रबंधकों की सेवा समाप्ति पर भी 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति उपादान देने की घोषणा, और ये भी 31 जुलाई 2024 से चालू कर रहा है, भले अभी अगस्त चल रहा है, 31 जुलाई तक जो भी रिटायर हुए हैं इन सभी को इसका लाभ देने की घोषणा की जाती है।